आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार, आज हम लोग कक्षा द्वितीय के संस्कृत विषय में सप्तम पाठ का पढ़ेंगे। सप्तम पाठ में वर्ण पर आधारित एक संस्कृत में गीत है, वही आप आज हम लोग उच्चारण करेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे। कैसे वर्ण पर आधारित संस्कृत गीत का उच्चारण किया जाता है, तो आज हम लोग एक पद का, इस पद में स्वर्ण वर्ण बताया गया है, तो आइए हम लोग उच्चारण करते हैं। राम लिखती अ आ ई ई, कृष्ण लिखती उ री, बाला लिखती ए ओ ऐ औ, अंगह लिखती गोपीनाथ, राम लिखती अ आ ई ई, कृष्ण लिखती उड़ी रे, बाला लिखती ए ओ ऐ औ, अंगह लिखती गोपीनाथ। तो इस तरह से हमको स्वर्ण वर्ण का एक पद में बताया गया कैसे इसका उच्चारण करना है। तो इसमें स्वर्ण वर्ण है तो इस तरह से स्वर्ण वर्ण का हमको गीत के माध्यम से अभ्यास कराया गया। आप भी इसी तरह आप इस गीत का उच्चारण करेंगे, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। एक बार पुनः इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। राम लिखती अ आ ई ई, कृष्ण लिखती उ उड़िल रे, बाला लिखती ए ओ ऐ औ, अंगह लिखती गोपीनाथ, राम लिखती अ आ ई ई, कृष्ण लिखती उ उड़िल रे, बाला लिखती ए ओ ऐ औ, अंगह लिखती गोपीनाथ। तो करेंगे अब हम इसी तरह आप शुद्ध शुद्ध इसका उच्चारण करेंगे, फिर इसको अपने कॉपी में भी लिखेंगे और उच्चारण तो जरूर करेंगे, फिर व्यंजन वर्णों के साथ इसी गीत के क्रम में फिर अगले कलांश में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना